सर लगातार जो हम जो है ना अपने सीनियर ऑफिसर एडीजी साहब श्री श्री श्रीकांत यादव जी के दिशा निर्देश में लगातार मोटर व्हीकल के चालान कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, तो उनमें हमारे कर्मचारी भी क्यों ना हो, हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। आज ट्रिपल राइडिंग के जो कर्मचारी पकड़े गए थे उनका मैंने चालान किया है, उनके खिलाफ मैंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं सर कर्मचारी ही जो ट्रैफिक रूल है वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम पब्लिक को किस तरह से समझाया जाए? देखो, आम पब्लिक को हम यही बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे, चाहे उनमें हमारा कर्मचारी भी क्यों ना हो। आमजन को तो हमने बार बार संदेश दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसी तरह से जारी रहेगा, पीछे भी लगातार हम लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। मेरे से पहले जो SHO थे वो भी लगातार करते थे, और मैं भी इस तरह से जो मेरे को जिम्मेवारी दी है मैं निभाऊंगा। ये तो आप देख रहे हैं, आप खुद बताइए, आपको कहीं बुलेट मोटरसाइकिल की कहीं आवाज़ सुनाई दे रही है? हम देखकर कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं सर, हालांकि खुद के ही चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये तो एक उनकी मानसिकता है, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कागज़ नहीं है तो अपने कागज पूरे करवाएं, अपने ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। फर्जी नंबर प्लेट का भी मामला सर 2 दिन पहले सामने आया था। जी, वो हमने इम्पाउंड कर दिया उसको। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर, ऐसी स्थिति ना हो, फर्जी नंबर प्लेट से नजर आ रहा हो? जी, मैं लोगों से ये अपील करूंगा, अपने कागज़ पूरे करवाएं, ऐसी परिस्थितियों में ना चलें।